हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर की एक और रेसिपी। कल जो मैंने रेसिपी शेयर करी थी मटर की, उसे आप सब ने बेहद पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये भी मटर की ही है और इसमें मैं बनाने वाली हूँ। आपने सूखे मटर की नमकीन बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हरे और फ्रेश मटर की नमकीन। और बेहद टेस्टी बनती है ये रेसिपी और हेल्दी भी होती है। तो चलिए देखते हैं, सर्दियों में गरम गरम चाय के साथ हमें ऐसी ऐसी मटर की हरी हरी मटर की नमकीन मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की हरी मटर की रेसिपी। हरे मटर की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबलना शुरू हो चुका है तो अब मैं मटर जो है पानी में डाल रही हूँ। अब ऊपर से इसमें हाफ टी स्पून नमक ले लिया है और अब इन मटर को सिर्फ हमें ब्लांच करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ब्लांच कर रही हूँ। और हमें कैसे पता चलेगा कि मटर जो है वो ब्लांच हो चुके हैं? तो आप देख सकते हैं ये मटर जो है वो ऊपर उठ करके आ गए हैं। तो जैसे ही ये सारे मटर ऊपर को अपने आप ही उठ करके आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही आ जाएं तो इन मटर को निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने मटर निकाल लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर किचन टावल ले लिया है, इस टावल के ऊपर इन मटर को फैला दूंगी, क्योंकि इनका जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो सारा मुझे निकाल लेना है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से किचन टावल के ऊपर इनको फैला देना है। तो ये मैंने सारे फैला दिए हैं। अब ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा फैलाते हुए इसका जो ऊपर का मॉइस्चर है उसको भी निकाल देना है। हल्के हाथों से इन्हें मसलना है और मसलते हुए इसका ऊपर का जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं इसी तरीके से खुली हवा में छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, पैन रख दिया है, तेल डाल दिया है कढ़ाई में और तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब गर्म गर्म तेल में ये जो मटर हैं, ये इनकी जो मॉइस्चर है बिल्कुल सूख चुका है। अब इनको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दिया है क्योंकि इन्हें डीप फ्राई करना है। और डीप फ्राई करने का जो टाइम है, इसकी फ्लेम सबसे पहले मीडियम रखनी है और टाइमिंग रहेगा इसका आपका 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि इस नमकीन को, मटरों को हमें बिल्कुल कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। अगर ये अच्छे से कुरकुरे होंगे तभी नमकीन आपको टेस्टी लगेगी। तो इसके लिए आपको इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और कंटिन्यूसली हिलाते रहें। पंद्रह से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके जो ये मटर हैं वो बिल्कुल कुरकुरे हो चुके हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मटर बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं। अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हैं तो एक दो दाने निकाल करके उन्हें ठंडा होने दें, उसके बाद आप देखें अगर वो कुरकुरे हैं तो इसका मतलब हो गए हैं। तो वैसे 15 से 20 मिनट इनफ टाइम है, इसमें आपके मटर अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो मटर जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरे हो चुके हैं और अब इनको मैं अच्छे से टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देती हूँ, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और ऊपर से भी टिश्यू पेपर से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इनका एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी निकाल दूंगी।
तो आप देख सकते हैं इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल चुका है। अब अगर आप हींग पसंद करते हैं तो चुटकी भर इस पर पहले हींग छिड़क लें। तो यहाँ पर मैंने हींग छिड़क दिया है, उसके बाद अब इस पर नमक छिड़क रही हूँ, दो चुटकी नमक छिड़क लिया है, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है, दो तीन चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और साथ में ले लिया है चाट मसाला पाउडर, तो तीन चार चुटकी मैंने चाट मसाला पाउडर छिड़क दिया है। अब इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हम मेरी टेस्टी डिलीशियस नमकीन रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, हरे हरे मटर की बिल्कुल फ्रेश नमकीन। आप इस नमकीन को चाय के साथ लीजिए, सुबह शाम बहुत ही टेस्टी लगती है, आपका दिन बन जाएगा अगर आप इस नमकीन को शाम की चाय के साथ खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल फ्रेश है, होममेड है और हरे हरे मटरों की बनी हुई है, बेहद टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।